हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम कुछ नई जानकारी के साथ आए हैं। पिछले वीडियो में हमने अधिक महीना आने के कारणों के बारे में जाना था और उसमें हमें पता चला कि फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी की गांठें एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो बच्चेदानी में महीना ज़्यादा आने का मुख्य कारण है। और फाइब्रॉइड्स सामान्यतः हर लेडीज़ के टोटल 50-60% लेडीज़ को सामान्यतः उनके रिप्रोडक्टिव एज यानी कि 15 से 45 साल के बीच में कभी ना कभी डायग्नोस हो जाती है। ये बहुत छोटे बीज जैसे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि 2.5 किलो 5 किलो तक के भी ये पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर वो छोटे बीज भी अगर आप उनको रोक लेते हैं या 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का तभी आप डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो ये 2-5 किलो तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से 5 किलो की या 4 किलो की नहीं बनती है। शुरुआत तो ज़ीरो से ही होती है। वो बड़ी किस लिए होती है? क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं रख पाते, अपनी सेहत का अपन इग्नोरेंस करते हैं, हमने टाइम पे सोनोग्राफी नहीं कराई या अपनी समस्या को अपन ने टाइम पे ध्यान नहीं दिया। फाइब्रॉइड्स एक बहुत ही बेनाइन डिजीज़ है जिससे कोई कैंसर नहीं बनता है। बहुत रेयर है कि लाख में एक में कैंसर डायग्नोज होता है, बट अगर लाख में भी एक में भी निकलता तो आप उसे इग्नोर ना करें। अगर आपको महीना ज़्यादा आने की समस्या है और उसमें अगर आपको फाइब्रॉइड डायग्नोस हुए हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। दूरबीन के एक छोटे से चीरे से हम फाइब्रॉइड्स का माइमेक्टमी टेक्निक के द्वारा बच्चेदानी को बचाते हुए उसका इलाज कर सकते हैं और आप 24 घंटे के अंदर अपने घर जा सकते हैं, 7 दिन के अंदर अपने काम पर वापस आ सकते हैं। बिल्कुल चिंता ना करें और दूरबीन के छोटे से ऑपरेशन से अपना इलाज कराएँ, अपना सेहत का ध्यान रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।